रोल बोले क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं खतरों के खिलाड़ी में कितने सारे वो क्रीपी एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो आप सबसे ज्यादा किसे डरते हैं? मैं ऐसी कुछ क्रीपी एनिमल्स है जिनका आप नाम लेने की कोशिश कर रही हैं, बट आई थिंक आप हर रोज़ ऐसे इन एनिमल्स से इंटरेक्ट नहीं करते. आई थिंक जब आप वहाँ पे जाएंगे उसके बाद आपको पता लगेगा किस किस एनिमल्स के साथ, किस किस क्रिएचर के साथ आपको खेलने को मौका मिलेगा. बॉडीली और मेंटली दोनों आपको फिजिकली एंड मेंटली आपको भी फिट, तो yeah. आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? वेल मैं कोशिश तो मेरी पूरी रहे बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ. बट मैंने वर्कआउट थोड़ा स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, फंक्शनल स्टार्ट कर दिया. सो आई एम जस्ट होपिंग कि जब वहाँ पे जाऊँ तो मेरा स्टैमिना एक अच्छे लेवल पे हो, जो कि मुझे वो बढ़ाना है. यार मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं क्विट करना नहीं पसंद करता, भले ही मुझे डर लगो या लगे या कुछ भी हो. I'm gonna go in for that. भले ही मैं हार जाऊँ, that's okay. That's part of the game. But quit नहीं करना मैं कभी भी जानता. और मैंने सीजन एक्चुअली ज़्यादा देखे नहीं फिलहाल, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जो चीज़ स्पॉन्टेनियसली आ सकती है आपको, वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है आपके लिए. यार आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, समथिंग एडवेंचरस फॉर माई सेल्फ. और मैं 3-4 साल से काम कर ही रहा था बैक टू बैक फिक्शन शोज में, तो मुझे कुछ नॉन फिक्शन करना था. आई थिंक कॉम्पिटिशन तो रहने वाला है, स्ट्रेस भी बहुत हाई होने वाला है. बट जो जितना पीसफुली कितने जितने कामली कर सके, वही आई थिंक एक ही इज गोना एमर्ज एज अ विनर. एंड फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? हमेशा सपोर्ट किया है जी, फैंस ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा से प्यार दिया है. बस यही कहूँगा कि आप ऐसा ही प्यार हमेशा बरकरार रखिए. और प्लीज़ विश किए कि मैं खतरों के खिलाड़ी जीत के आऊँ. थैंक यू. Thank you so much.